नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। आज हम आपके लिए दो दुधारू पशु लेके आए हैं जी, काफ़ी अच्छे और अच्छे मिल्क लाइन के जो आप देख सकते हैं। तो पहले नंबर पे आपको ये झोटी दिखाई दे रही है, ये अपने पहले ही ब्यात में ब्याई है जी। ब्याई को 2 से 3 दिन हो चुके हैं, मौके पर 6 से 7 लीटर अभी इसमें खींच तैयार है कच्चा जी। अभी पहले झोटी को तैयार होने में 15 से 20 दिन लग ही जाते हैं, सभी पशुपालक भाइयों को पता ही है। पहले ही ब्यात में बही झोटी अपने ये जी, काफ़ी अच्छे हाइट लेंथ की है और मुठिया थनों के साथ, थनों के बीच का स्पेस देखते हैं काफ़ी शानदार है। और इस झोटी का प्राइस ओनली ऑन 75,000 रुपये डिमांड किए जा रहे हैं। मिल्क कैपेसिटी इसकी 12 से प्लस रहेगी। और जो दूसरे नंबर पे आपको भैंस दिखाई दे रही है जी, ये अपने दूसरे ब्यात में ब्याई है जी। ब्याई को अभी 3 दिन हो चुके हैं, काफ़ी अच्छी और काफ़ी बड़ी झोटी आज की वीडियो में जो आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे उठाड़े की, काफ़ी अच्छे हाइट लेंथ की है। अभी झोटी को ब्याई को 3 दिन हो चुके हैं, मौके पे झोटी के अभी 12 लीटर से पीक से स्टार्ट हुई है जी। कोई भी भाई 2 टाइम 3 टाइम की मिल्किंग चेक करके देख सकता है। और ये सेल के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं श्री कृष्णा डेयरी फार्म, विलेज केसरी सिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट गंगानगर और स्टेट राजस्थान। कोई भी भाई यहाँ से पशु को परचेज कर सकते हैं और कहीं भी ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं जी। ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है हर स्टेट के लिए अवेलेबल है और हमारे डेयरी फार्म में एनी टाइम 15 से 20 भैंस बिक्री के लिए अवेलेबल रहती है जी। और ये इस झोटी की मिल्क कैपेसिटी की बात की जाए तो इस झोटी की मिल्क कैपेसिटी 18 से 20 लीटर तक बड़े आराम की रहेगी, क्योंकि जी अभी तो खींच से खाली है, बिल्कुल निचड़ा हुआ लेवा आपको नज़र आ रहा होगा जी, देख सकते हैं। कोई धार पाउस आपको देखने को नहीं मिलेगा थनों में जी। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से पशुधन को परचेज कर सकते हैं, देख सकते हैं जी। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जी आपकी राय। और इस झोटी की प्राइस की बात की जाए तो इस झोटी का प्राइस ऑन 1,32,000 रुपये डिमांड किए जा रहे हैं जी, जो काफ़ी रीजनेबल प्राइस है। और आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आपकी राय ज़रूर बताएँ जी। तो सभी भाइयों को राम राम जी, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ अच्छे से पशुधन के साथ। तब तक लिए सभी भाइयों को राम राम, धन्यवाद जी।